नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रुड़की में ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने कई मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान कई मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस को निरस्त किया गया है और कई मेडिकलों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक नकली दवाइयों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है, जिसमें मेडिकल स्टोर स्वामियों में कोहराम मच गया है। रुड़की में ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने भगवानपुर के चोली शहाबुद्दीन में कई मेडिकलों पर छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी के दौरान किसी भी मेडिकल पर फार्मेसिस्ट नहीं मिले, इसलिए चार मेडिकलों में लाइसेंस निरस्त के साथ पांच मेडिकलों की बिक्री बंद और एक को नोटिस थमाया गया। जानकारी के मुताबिक चोली शहाबुद्दीन में नशीली और नकली दवाइयों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर मानेंद्र सिंह राणा और हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के ज्वाइंट ऑपरेशन में कई मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। वहीं छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर स्वामियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर मानेंद्र सिंह राणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन पे ये छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज 9 मेडिकलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 4 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया है और 5 मेडिकलों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि 7 दुकानों की दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और एक दुकानदार को मौके पर नोटिस दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाकी दुकानदारों को निर्देश दिए जा चुके हैं। आदरणीय आयुक्त महोदय, FDA देहरादून के निर्देशों के क्रम में औषधि नियंत्रक महोदय ने हमें आदेशित किया था कि रुड़की और जनपद हरिद्वार में जो भी निर्माता फर्में हैं और जो विक्रय संस्थान हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका निरीक्षण किया जाए और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में हम पूरी टीम गठित हुई है, जिसमें औषधि निरीक्षक अनिता भारती हरिद्वार से, मैं मानेंद्र सिंह राणा औषधि निरीक्षक रुड़की से, और डॉक्टर सुधीर कुमार उधम सिंह नगर से वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, एवं हमारे विजिलेंस विंग जिसमें जगदीश रतोड़ी जी हैं, संजय सिंह जी हैं और योगेंद्र सिंह जी। तो टीम गठित की गई थी औषधि नियंत्रक महोदय द्वारा और उसी के अनुपालन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। 6 दुकानों में निरीक्षण किया था, जिनमें से 5 दुकानों पे हमने जो है सेल परचेज पे रोक लगा दी है औषधि अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत, और तत्काल बिक्री पे रोक लगाते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है। ऐसा मेरे संज्ञान में आया नहीं है, अभी आपने बताया तो इस चीज़ पे हम लोग जो है आगे भी कार्य करते रहेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।